हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है भटूरे बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं भटूरे बनाना। भटूरे बनाने के लिए ये हमने आधा किलो मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है, और ये हमने खारा सोडा लिया है, और ये 2 से 3 चम्मच हमने दही लिए हैं, 1/4 चम्मच अजवाइन और नमक हमने आधा चम्मच लिया है, और आधा ही चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अजवाइन को क्रश करके इसमें डाल लूंगी, और अब ये आधा चम्मच मैं नमक डाल दूंगी, और आधा ही चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी, और अब मैं इसमें ये दही डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच, और खारा सोडा डाल लूंगी। इस ये हाफ बोतल है, और इसमें से मैं 1 कप के आसपास खारा सोडा डालूंगी। ये मैंने 1 कप लिया है, इसमें मैं खारा सोडा निकाल लेती हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और साथ ही मैं ये खारा सोडा डाल दूंगी। इसमें हम इसमें मीठा सोडा नहीं डालेंगे, ना ही बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, अब मैं पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। और हम तुरंत की ही तुरंत भटूरे बनाकर तैयार करेंगे। हम इसे आटे को 2 से 3 घंटे के लिए नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही रखेंगे, उसके बाद ही हम इसे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने आटे गूंदने में हमारा 1 गिलास पानी और 1 कप हमारा खारा सोडा लगा है, और इसे हम इस प्रकार से पटक पटक के 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस प्रकार से मारेंगे। हमारा आटा गूंदकर तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और इस आटे पे हम अच्छे से लगा लेंगे इसे। ये आटा हमारा गूंदकर तैयार हो चुका है। इस आटे को मैं 1 बाउल के अंदर निकाल दूंगी, और आटे को मैं इस डोंगे में डाल दूंगी। और कितने अच्छे से हमने ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा मुलायम आटा गूंदकर तैयार किया है। अब मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगी, जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है। मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, इसमें ऑयल डालूंगी। और जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, तब तक मैं आटे को रेस्ट करने देती हूँ। और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, गैस को मैं स्लो पे कर देती हूँ। और ये हमारे आटे को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें से 1 पेड़ा बनाकर तैयार करूंगी। और कितना अच्छा मुलायम सॉफ्ट आटा हुआ है। अब मैं इस पे सूखा मैदा लगाऊंगी, आप चाहे ऐसे ऑयल लगा के बेल सकते हैं, मैं सूखा आटा लगाकर बेलूंगी इसे। और बाकी आटे को मैं ढक देती हूँ, और इसका भटूरा बनाकर तैयार कर लूंगी। और ये हमारा भटूरा बिलकर तैयार हो चुका है। अब मैं भटूरे को ऑयल के अंदर छोड़ दूंगी। और ये हमारा भटूरा अच्छे से फूलकर तैयार हो चुका है, और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल करारा बनकर तैयार हुआ है। प्लेट में निकाल लूंगी।
प्रकार से मैं एक भटूरा और बना के दिखाऊंगी आपको। इसे भी मैं बेल लूंगी। इसी प्रकार से मैं अपना दूसरा भटूरा भी सेक लूंगी। ये भटूरा हमारा सीककर तैयार हो चुका है। ये हमारे भटूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहे इन्हें छोले के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखो मैंने इन्हें छोले के और आलू की सब्जी के साथ सर्व किया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।